आप 300 फोन करो साहब, उन्होंने उठाने वाले नहीं है, उन्होंने टोटल मैनेज है। मैं आपको बोलता हूँ ये बात सुने, करप्ट है यहाँ पे, पूरे पूरा करप्ट चल रहा है यहाँ पे। मैं ये चीज कुछ ना उठाता हूँ साहब मीडिया में, और आप इसका आंसर दे रहा हूँ। अभी चल ना कम्प्लेट है, ऑर्डर आ गया 6 महीने। हेलो, व्हाट्सअप कॉल उन्नारा? అదే చాలా చెప్పలేదు, ఒకటే ఫోన్ కొడుతున్నా. వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడికి ఏం నమ్మ, మీరు మండే ఫైల్ పుట్అప్ చేస్తా అంటే వాళ్ళు వచ్చి వీడు ధర్నా కార్యక్రమం పెట్టి అందరూ దాని ఇష్యూ ఏంటి నాకు ఇప్పుడు? అది కదమ్మా, నువ్వు ఫైల్ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ రాయమంటే ఆ ఫైల్ ముందు పెడితే నేను సంతకం పెడతా కదా, ఎస్ఐ గారితో మాట్లాడతా కదా, జేసీబీ అనిపించా ఎప్పుడు పెడతావు నాకు? అదే కరెక్టేనమ్మా, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు చెయ్యని నుంచి ఫోన్ అంటారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం సమాధానం చెప్తావు వాళ్ళకి చెప్పు. అదేనమ్మా, ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు చాటమమ్మ ఇవ్వాల్సి వస్తా, నేను ఏం చేయాల్సి వస్తా దాన్ని హైకోర్టు దానికి? వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు అంతా ధర్నా చేస్తున్నాడు అందరు, నేనేం చెప్పాలి సమాధానం? కరెక్టేనమ్మా, ఎప్పుడు చేస్తావు చెప్పు, నువ్వు ఎప్పుడు చేస్తావు చెప్పాలి, నువ్వే చెప్పు సమాధానం. ఎన్నడు ఎన్నడు పెడతావు? ఎన్నడు? ఫ్రైడేనా? ఫ్రైడే నాడు పెడతావు? ఇంకా వాళ్ళతో మాట్లాడమ్మా, వాళ్ళతోనే మాట్లాడు, వాళ్ళకి చెప్పు, నువ్వు మీడియాకు జవాబ్ దో. ఫ్రైడే బోల్ రే, ఫ్రైడే కు జో బరాబర్ ఆప్ కర్నా, నహీ తో రైటింగ్ మే లిఖ్ దేనా ఆప్. నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు? ఫ్రైడే సాటర్డేనా? సాటర్డే పెడతావా? నీకు అట్లాని కాదు, నువ్వు ఫస్ట్ నేనేమంటున్నంటే పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కోసం రేపు పెట్టున్నా నేను, నాకు పెట్టేసి రేపు సిఐ గారికి ముట్టాలి పోలీస్ ప్రొటెక్షన్. ఫ్రైడే వద్దు కానీ విను, శుక్రవారం వద్దు, ఫ్రైడే వద్దు, ఫ్రైడే వద్దు, నన్ను నమాజ్ ఉంటది, ఫ్రైడే వద్దు, సాటర్డే పెట్టేసి సాటర్డే మార్నింగ్ మార్నింగ్ వస్తున్నా చేయాలి పని. 10 o'clock అయిపోవాలి ఉదయమే, మార్నింగ్ 9:30 అక్కడ ఉండాలి. पुलिस बोल रहे ना, मैं लेके आता हूँ, आपका जो भी खर्चा हो रहा बोलो, जीसीपी का जो भी है मैं देता हूँ आपको. मैडम से बात करो आपसे. मैडम बात कर रहे थे साहब, आप मॉर्निंग बात कर रहे थे क्या हुआ पूरा लीगल डॉक्यूमेंट है ना अपना, ना बड़ा हरासमेंट हो रहा है सीनियर सिटीजन को, तो प्रॉब्लम है ना सर. मर जाएगा करेगा तो कौन रहेगा रिस्पॉन्सिबल? 3-3 लड़की है उसका शादी का, इनको डिपेंड हुई जमाने, इनको क्या करना है? 50 वक्त कर लो साहब, आप फोन नहीं उठाएगा डिप्यू मैडम. अरे कमिश्नर साहब को रिस्पॉन्सिबल रहा तो तुमको हम क्या दे? जब बोलो जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साहब, ड्यूटी है नहीं है? ठीक, मैं भी फोन कर रहा हूँ. आप बोल रहे हैं उनसे बात करो, डीपी मैडम से, डीपी मैडम से. फर्स्ट टाइम बोला लीगल, हफ्ते में एक दिन आ रहे हैं, वीकली वन डे. हाँ वीकली वन डे आ रहे हैं, उनका काम है ना साहब. अरे कब आता बोलते हैं, टाइम दिए तो बोल देते. मंडे बोले ना सर, मंडे फिर सर अब पूरा टाइम हो जा रहा ना कोर्ट का, क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद फांसी डाल के मर जाना यहाँ पे सर, फायदा लीपे. अरे कोई डिपार्टमेंट वो नहीं है यार, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. कॉल करे तो रिस्पॉन्स ही नहीं है, फाइल गया बोलते हैं. आपको कुछ प्रेशर है क्या साहब? आप क्या बोल रहे हैं? क्या सर, आपको कुछ प्रेशर है? प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है. क्या क्या वजह क्या है बोलो आप, रीजन क्या है? चार्ज में मत दे तुम, एवरी टाइम ऐसे ही हो रहा है सर. सर बोल रहा है एक हफ्ता बाद आ जाओ, देखो धरना बैठते हम लोग बाहर, बाहर धरना देना है, इंसाफ होना हमको, न्याय दे आपका, दूसरी जगह जाके इंसाफ होना हमको. कितने सेक्शन आ रहे? 178, 177, 170. क्या बात है? आप लोग परमिशन दिए, आप लोग डिमोलिश करो ना सर उसका, आप लोग इशू करें ना परमिशन. लास्ट टाइम आपको कितना रिक्वेस्ट करे आप सुने बात,
नहीं मेरा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ बोले कोर्ट से ऑर्डर ला लिया। अरे कोर्ट ने ऑर्डर आया, अरे उन्होंने फाइल पुट अप करो, बोला था नहीं कर रहे टीपीओ आप कमिश्नर है, आप उनके ऊपर है, तो आपका काम है पूछो रीजन क्या है। कोर्ट सब कुछ बोले हुआ है, वो पीटीओ को नहीं पहचानता कोर्ट कमिश्नर चार्जेस फ्रेम करते कमीशन नहीं जाता ना उन सेक्शन करे तो आप ऑर्डर दिए ना साहब, ऑर्डर दिए उनको पुटअप नहीं कर रहे कहीं को नहीं कर रहे आप पूछो रीजन क्यों निपटा कर रहे आप रीजन लियो आप उनसे अभी दियो मेरे को क्या है इसका पूरा आंसर बना करो पब्लिक को बुलाओ पूरा वहाँ पर धरना नहीं बोला घटना ही नहीं है यहाँ से जब तक लेटर नहीं आया तक पूरा धरना देंगे बैठेंगे फुल राइट से प्रतीक जैन का भी गया वहाँ भी गया साफ फोन नहीं कलेक्टर ऑफिस भी गए हम लोग कलेक्टर ज्वाइंट कलेक्टर के पास भी जो है फाइल देखे आए उन्होंने भी बोले मैं एक्शन लेता हूँ बोले आपके ऊपर हाई को नहीं कर रहा हूँ कमिश्नर मैडम का नहीं गया मैडम बोले ये क्या आपसे बात कर रहे मैडम मॉर्निंग में बात कर रहे जगह जाना साहब बुढ़ा आदमी कहाँ फिरेगा बताओ। ये एराकुंडी की जमीन पे हम 12-14 साल से केस लड़े थे, अब हम यहाँ पे आए अहमद के साथ में कमिश्नर बलिया करने जलपल्ली के, तो हफ्ते के दिन डिटेंशन करने का एक मिनट साथ यहाँ आए हुए थे, बातचीत हुई कमिश्नर साहब से, हम ये तोड़ने का आर्डर मिलने के बाद भी ये लोग ने तोड़े, आज बातचीत हुई है अहमद भाई मैं आशीन लोग आए थे, तो इंशाल्लाह देखेंगे हफ्ते के दिन का वादा करें हैं क्या होता देखेंगे। वासिम अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग म्युनिसिपल में आए हैं, हम लोग ऑर्डर लिए बाद भी हमको मिसगाइड किया जा रहा था, फिर अब इसके बाद अब कमिश्नर साहब हमको प्रॉमिस किए हैं हफ्ते तक कुछ रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह ताला, हफ्ते तक क्या होने वाला है अल्लाह खैर करने वाला है, हमको इंसाफ चाहिए, आज हमको थोड़ी बहुत हिम्मत मिली है इंसाफ की कमिश्नर साहब की ज़बान पे, इंशाल्लाह देखेंगे सैटरडे के दिन इंशाल्लाह साहब बोले हैं कुछ करेंगे इंशाल्लाह। कोर्ट ऑर्डर्स आने के बाद भी हम लोग को मिसगाइड किया जा रहा था म्युनिसिपल में, कोई हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था, आज हम इसीलिए मीडिया के साथ हम आए हैं, अब साहब हमको मीडिया के सामने जवाब दिए हैं हफ्ते के दिन इंशाल्लाह डिमोलिश करेंगे बोल के, इंशाल्लाह हम डिमोलिश अगर इंशाल्लाह हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इंसाफ मिला है हमारे। ये लाइन कहाँ पे है? ये लाइन एरागुंटे पे साहब, एरागुंटे पे 2012 से हम लोग लड़ रहे थे, 2012 से 2017 में जजमेंट आया, इसका जजमेंट आया बाद अपील में जाकर वो स्टे लेकर इतना फेवरेबल डॉक्यूमेंट्स बनाकर परमिशन निकाला, परमिशन निकाले बाद हम लोग WP फाइल किए, इसके बाद हमारा कैंसिल हुआ ऑर्डर। कितनी जमीन आपकी? 533 है, 2 प्लॉट है 213 हम लोग का। अच्छा, वो डिमोलिश का आपके पास जो है मौजूद भी हमको पता नहीं है क्या है, क्या रिस्पांस हमको म्युनिसिपल रिस्पांस नहीं दे रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कमिश्नर साहब बोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इंदिरा सीमिता इंदिरा रेड्डी साहब के पास भी गए थे, मैडम के पास, वहाँ से भी उनको कॉल करने लगा है, और कलेक्टर के पास भी गए थे, ऑर्डर आने के बाद भी हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, फिर लास्टली हम ये डिसीजन लिए, इसलिए हम फेस पे आए हैं इंशाल्लाह। मीडिया से क्या गुजारिश है आपकी? बस अपने चेयरमैन तक ये हमारी बात पहुंचाना चाह रहे हैं KTR तक, ताकि ये मिसयूज़ हो रहा है म्युनिसिपल में, ये देखिए आप म्युनिसिपल में क्या है, मिसयूज़ इतना हो रहा है कि सीनियर सिटीजन परेशान हो रहा है, हार्ट पेशेंट लोकल बॉडीज़ कहाँ जाना, तो इसको इसलिए बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है KTR साहब को जलपल्ली म्युनिसिपल के लिए। तो अभी लैंड ओपन है क्या है वहाँ पे कुछ? नहीं, पहले ओपन थी, अभी वो बना लिया है लैंड, लैंड दो नवाब कवाब बनाए हैं वो इंशाल्लाह, उसको मना करे कि आना भी नहीं बोल के हमारी ज़मीन पे, पहले के जजमेंट पे वकील साहब जो थे ये ज़मीन को दे देना, इनकी ज़मीन पे जाना भी नहीं बोले, जब फैसला आया तो हम लोग पाइप वगैरह जाली वाली लगाने गए तो लड़ाई झगड़ा करे, उसके बाद में हम लोग फिर अदालत से रुजू हुए, फिर उसके बाद में उन्होंने ये बनाना शुरू करे, पहले के फोटो भी हम डाले अदालत में, सिर्फ झाड़ा थे, झाड़ी थी, घास थी, अब उसको बनाते जा रहे हैं। तो आपको पुलिस सपोर्ट कर रही है? कोई पुलिस वोलिस सपोर्ट नहीं कर रही, जाके बोले भी तो उसको बनाते जा रहे हैं। तो आपको पुलिस सपोर्ट कर रही है? कोई पुलिस वोलिस सपोर्ट नहीं कर रही, जाके बोले भी तो सिविल मैटर है बताएं,
जाके बताएं, जाओ आप कोर्ट जाएंगे बताएं। हम कोर्ट से ऑर्डर लाए बाद भी हमारे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था कि म्यूनसिपल से। अल्हम्दुलिल्लाह आज कमिश्नर साहब हमको कमीशन ऑर्डर लाओ वो लाओ ये लाओ बोल के फिरा रहे हैं हमारे साहब की जुबान पे। और अहमद जैदी साहब के संगात हम लोग आए थे, साहब का भी बहुत बड़ा ताउन हुआ मीडिया से। इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि सैटरडे के दिन साहब पूरा ऑर्डर ओबे करे, जैसा कोर्ट ऑर्डर्स ओबे करे जैसा।